नाम की तोड़ा ही किसरा इधर ना ही ताई स्टाफ रुक दो से धरना लाया जो मजदूर मुक्ति मोर्चा की गवाही दे बच्चा ये पिछले लंबे समय तो लॉकडाउन तो बाद जिहड़ा औरतों के हक च करजा अंदोलन चल रहे असी जथेबंदी बोलो उहदे ते साडी हुण तक जिहड़ी लड़ाई पिंडां दे विच कंपनियां नाल जदों जदों चल रही है पिंडां दे विच जाके उह औरतां नाल धक्केशाही करदे ने भी किस्तां भरो कंपनियां गुंडागर्दी करदियां ने हाले तक जिहड़ियां असी गुंडागर्दी दे खिलाफ थाणियां दे विच शिकायतां पाईआं ने जिहड़ी कांग्रेस सरकार है इह मंत्री है सिंगलीपुरी इह सारा उन्हां कंपनियां दा पक्ष पूर रहे ने साडी सुनवाई नहीं होंदी कारवाई नहीं हो रही इस करके जिहड़ा असी अज सानूं सिंगली दे बार दे विच आउणा मजबूर हो गिआ ते इत्थे धरना लाया इह संघर्ष होर वी वधूगा क्योंकि पंजाब सरकार कंपनियों का पक्ष पूर रही है जिवें मोदी सरकार है जिहड़ी वो काले कानून मजदूरों ते किसानां दे उल्ट लिया रही है उवें जिकरी जिहड़ी नीति है पंजाब दी कांग्रेस सरकार दी उन्हां दी भी कोई दुरुस्त नहीं हैगी क्योंकि लॉकडाउन दे विच जिहड़ी लोकां नूं 250 यूनिट माफ हुंदी थी उह उन्हां नूं 40-40 हज़ार 30-30 हज़ार दे आम दिहाड़ीदार लोकां नूं बिजली दे बेरोजगारां नूं बिल आ गई जिदे कारण मीटर पट्टने शुरू हो गए असी फैसला लिया साडी जथेबंदी वल्लों जे सरकार ने साडी ना सुनवाई कीती तां संघर्ष जिहड़ा इदों भी तिखा करांगे इक गल होर है वी पिंडां दे विचों जिहड़ा कंपनियां नूं वड़ना बंद कीता जावे जे कोई किसी भी तरह का कोई नफा नुकसान होता है तो उहदी सरकार जिम्मेवारी होगी क्योंकि पिंड सरकार की सहती ते पंजाब पुलिस की सहती घरां दे विच जाके गुंडागर्दी करदे ने बिल्कुल गरीब औरतां दा कर्जा माफ कीता जाए बिजली दे बिल हजारां बिजली दे बिल आए बिजली दे बिल पिंडां ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ